हाय फ्रेंड्स, हैप्पी वैलेंटाइन डे, लव यू ऑल। आपके लिए खबर लाई हूँ बड़ी खास, जरा सुन लीजिए। जरा आपके फेवरेट सीरियल नच बलिए में आजकल कुछ उथल पुथल चल रही है। एक तो हमारी शिल्पा जी शायद कुछ एपिसोड्स में आपको नहीं नजर आएंगी। अरे वो छोड़ के नहीं गई हैं, एक्चुअली उनका बेटा अभियान काफी समय से बीमार चल रहा था और हॉस्पिटल में एडमिट भी था, और शिल्पा उसके साथ काफी वक्त गुजार रही थी। भाई होना भी चाहिए, माँ अगर बेटे की चिंता नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा। खैर, अब उनकी जगह यानी कि उनकी एब्सेंस में अपनी प्रेजेंस बनाने आ रही हैं हमारी कोरियोग्राफर सरोज खान जी। मास्टर जी आ रहे हैं, और मास्टर जी क्योंकि पहले भी सीजन में जज कर चुके हैं, इसलिए अब उन्हें अच्छा मजा आएगा कुछ और नए नए लोगों के साथ इस शो को जज करने में। शिल्पा ने बड़े ही खूबसूरती के साथ चैनल को कहा है कि थैंक यू सो मच कि उन्होंने उनकी इस मजबूरी को समझा, क्योंकि उनका बेटा बीमार है, वही उसकी टेक केयर करनी ज़रूरी है। इसलिए वो चैनल को थैंक किया है, उन्होंने ट्वीट किया है स्पेशल ट्विटर पर और कहा है कि भाई मैं जल्दी ही आऊँगी क्योंकि मैं बहुत मिस कर रही हूँ नच बलिए को। और अब बात करती हूँ उन लोगों की जो एबसेंट तो हो चुके थे अब अगर वापस से प्रेजेंट हो गए हैं, यानी कि दो ऐसी जोड़ियाँ जो वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू आई हैं। पहली जोड़ी तो लास्ट टाइम आ चुकी है, शेफाली जरीवाला और उनके हस्बैंड पराग त्यागी की, मगर अब जो दूसरी जोड़ी एंटर हो रही है ये है डिम्पी और राहुल महाजन की, जिन्हें आप बहुत मिस कर रहे थे। पता नहीं क्यों कर रहे थे, मगर अब वो जोड़ी वापस आ रही है। खैर, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट है, तो राहुल और डिम्पी एंटरटेन करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। खैर, अब ये जोड़ी आ रही है वाइल्ड कार्ड एंट्री से और फिर से आकर आपका मनोरंजन करेगी। आप मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कि आप और क्या क्या देखना चाहते हैं। वैलेंटाइन डे के कौन से स्पेशल एपिसोड के बारे में आप क्या स्पेशल मुझे कहना चाहते हैं वो भी बताइए, और इस वैलेंटाइन डे पर कौन सी जोड़ी आपकी फेवरेट रही वो भी मुझे बताइए। भाई किसने सबसे बढ़िया डांस किया जरूर बताइएगा मुझे, और उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आप देख रहे हैं रूबी अनसेंसर्ड, क्योंकि कोई भी खबर नहीं। यू आर राइट, हैप्पी वैलेंटाइन डे, लव यू ऑल।